भगवान शिव की कथा कह रही है। सती मैया भगवान दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म ले ली। दक्ष के घर में, राजा दक्ष के घर में सती माता का जन्म तो हो गया। जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना करने लगी। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। शिव जी के साथ में जब विवाह हो गया, आनंद में रहने लगे सब। अब जरा ध्यान देना कि जमाई बुरा कैसे हो गया वो समझ ले थोड़ा सा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी निगाह में आप हमेशा बुरे की बुरे ही रहेंगे। आप उसके लिए जान भी निकाल के रख दोगे तो भी उसकी दृष्टि में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप अपनी पूरी जिंदगी उसके चरणों में निकाल दोगे तो भी आप अच्छे नहीं हो सकते। एक बार जिसकी दृष्टि में आप बुरे हो गए तो भले तुम पूरा मुंह का निवाला भी दे दोगे तो भी अच्छे नहीं हो सकते, तो भी वो आपका खोट देखेगा ही, बुराई देखेगा ही, ये निश्चित है। और यदि वो आप में खोट देख रहा है, आप में बुराई देख रहा है और आप उसके लिए अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, करो, मना नहीं है, पर तुम सोचो कि वो तुम्हारी बुराई करना बंद कर दे, वो तुम में बुरा देखना बंद कर दे, वो तुम में गलतियां देखना बंद कर दे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने उसको तुम्हारे लिए पैदा ही इसलिए करा है कि तुम्हारी वो गलतियां छाट डाले। ऐसे कई लोग हैं, आप उनको प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, नमन कर लो, आप उनको सब कुछ कह लो, आप उनके लिए जान निकाल दो, उसके बाद भी वो 24 घंटे में पूरी कथा में यही ढूंढते रहेंगे कि गलती कहां करे और अपन को कहां पकड़ना है। बस जिस बहू की निगाह में सास बुरी हो गई, जिस सास की निगाह में जो बहू बुरी हो गई, वो बहू बिचारी 24 घंटा भी काम कर लेगी ना तो भी वो बुरी की बुरी ही रहेगी। तुम भले आगे बढ़ बढ़ के सब कर लो, तुम भले शादी में आगे बढ़ बढ़ के काम कर लो, तो भी किसी की निगाह में अगर तुम बुरे हो गए हो तो वो यही देखेगा कि आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही, जरूर मायरे में जो साड़ी आ रही होगी ना, दो चार निपटा जाएगी। उसकी दृष्टि में तुम गलत हो गए ना तो कभी ठीक देख ही नहीं सकता। आप पूरा जान निकाल दो उसके लिए, पूरा प्राण निकाल दो आप उसके लिए, नहीं देखे, बुरा देख लिया उसने तो बुरा ही रहेगा। पर यह नहीं है कि हमको उसका बुरा करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के पास में जहर भेज दिया, विष। पार्वती जी को बुरा लग गया, वो अमृत पी रहा है और आपके पास जहर भेजा है। देवता 33 कोटि देवी देवता अमृत पियेंगे और आपको जहर। भगवान बोले तो क्या हो गया, जहर भेजा है पी लेते हैं। आपको मालूम है विष है विष, मर जाओगे। शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को जो कहा है, संसार की सारी अर्धांगिनियां इस बात को अच्छे से सुन लेना, पार्वती जी कह रही है विष पियोगे मर जाओगे। शंकर भगवान कहते हैं जब मैंने तेरे साथ में 7 फेरे लिए थे, तेरे गले में मंगल सूत्र बांधा था, वो मंगल सूत्र नहीं था पार्वती, मेरी जिंदगी की सारी तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मैंने तुझे दिया था, इसलिए भारत की भूमि पर पुरुष जितने व्रत नहीं करते उससे ज्यादा माताएं करती हैं, क्योंकि पति का दुख भी उसके खाते में होता है। करवा चौथ का व्रत पति नहीं करता, हाँ कहीं कहीं का कर लेता हो तो बात दूसरी है, वो भी हम मना नहीं करेंगे हो, पर पति अगर व्रत करता होगा तो हमको तो ये भी सोचने में आता है कि पत्नी चलनी में मुंह देखती होगी या काय में देखता होगा, वो भी एक थोड़ा सोचने वाली बात जरूर है, पर हम
शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती फेरे के समय पर जब छठा फेरा होता है और छठे फेरे के बाद में जब सातवां फेरा होता है, वो छठे फेरे को उलट पटे का फेरा कहते हैं। यहां जितने बैठे होंगे उनको ध्यान में होगा, छठे फेरे को उलट पटा का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की लड़के के दाईं ओर बैठी थी, अब इस फेरे के बाद में जब वो श्रृंगार कर आएगी और सातवां जब फेरा होगा तो पाटा बदल जाएगा, लड़की लड़के के बाईं ओर जाकर विराजमान हो जाएगी। इसको उलट पटा फेरा कहते हैं। इस फेरे की महत्वता किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण जन से पूछोगे तो वो बता देगा आपको कि ये फेरे की महत्वता क्यों होती है। अर्थात इस फेरे में, इस फेरे के अंतर्गत लड़के के जिंदगी का सारा दुख तकलीफ कष्ट सब कुछ धर्म पत्नी अपने माथे ले लेती है। इसलिए जब दुख की घड़ी आती है तो धर्म पत्नी अपने पति को एक ज्ञानी बनकर ज्ञान भी दे देती है, तुम चिंता मत करो, हो गया ना कर्जा, धीरे धीरे चुकेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना कर्म करो, देखा जाएगा, मेरी रकम पड़ी है ना वो दिया। धर्म पत्नी विल पावर मजबूत करती है, धर्म पत्नी बल देती है। क्यों टेंशन लेते हो, मैं बैठी हूं ना, मैं चलती हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं आगे बढ़कर काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम लगाओ दुकान, मैं बर्तन धो दूंगी, तुम लगाओ ये काम, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगी, वो होती है धर्म पत्नी। शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा, विष मेरे लिए आया है, मैं पीऊंगा, मर जाऊंगा तो क्या तुम मुझे देखती रहेगी। धर्म पत्नी कहती है, तो मेरा क्या काम है। पति कहता है, अनसुईया पति को लेकर आ गई, सावित्री यम की केस से लेकर आ गई, तो तू तेरे पति को मरता हुआ देख लेगी। पार्वती जी कहती है, अब भी अच्छे से पियो, तुम जरा पियो पियो, मैं निपट लूंगी सब। शंकर भगवान ने विष का प्याला लिया, शिव जी ने विष पीना चालू करा, पार्वती मैया श्वास में से प्रवेश कर गई, कंठ पर जाकर बैठ गई, पूरा विष निकल गई, पूरा विष निकल गई। लोग पूछते हैं, शंकर जी का स्वरूप नीला है, पार्वती काली कैसे हो गई। शिव जी कहते हैं, विष तो उसी ने पिया था, विष तो उसी ने पिया था, कंठ में बैठी है, कंठ में। भीतर बैठ कर विष शिव जी ने पिया। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती विष मेरे गले में है। पार्वती जी कहती हैं, मैं भी आपके कंठ में ही हूं, आपने मेरे कंठ में मंगल सूत्र बांधा था, आपके कंठ में मैंने माला पहनाई थी, वो माला साधारण नहीं थी, तुम्हारी पार्वती तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर। एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है, पति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, मदिरापान में जा रहा है, मांसाहार में जा रहा है, जुए में जा रहा है, वैश्यावृत्ति में जा रहा है, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको सुधारने का प्रयास करो। ये नहीं कि मायके में जाके बैठ जाऊंगी तो ये सुधर जाएगा। वो सिंदूर चढ़ा हुआ अभी तक बटुक भैरव था, तू गई तो काल भैरव बन जाएगा। उसको सुधारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है, उसको संवारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है। कई कई माताएं भी कह देती हैं अपने अपने बेटे के लिए, सुधर जाएगा री, तू ज्यादा ज्ञान मत दे। कल की आई और मेरे छोरे को ज्ञान दे रही है। मेरी माताओं से निवेदन है, तुम इतने साल में नहीं सुधार पाई तो अब का सुधार लोगी। अब उसके भरोसे पे छोड़ दो, वो थोड़ा सा क्रोध दिखाएगी, वो थोड़ा सा बोलेगी, तब जाकर तो उसका पांव रुकेगा। अगर आज तुम उसका साथ दोगी, होता है बाप अपने बेटे को संवारने की चेष्टा करता है, पर माँ जैसे ही बेटा गलत काम करके आता है तो माँ रजाई उड़ा के सुला देती, सोजा तेरा बाप देख लेगा, चुपचाप सोजा। माँ ने अपने बेटे पर रजाई नहीं डाली है, अपने ऊपर मां ने खुद राख डाल ली है कि जिंदगी बर्बाद कर दी छोरे की। जिस दिन गलत काम कर कर, एक हमने बचपन में पढ़ी थी एक कथा, शायद तुमने भी पढ़ी होगी, कानपुर की जीजियों और जीजाओं, तुमने भी पढ़ा होगा, हमने भी अपने बचपन में पढ़ा था। एक बच्चा पेंसिल चुरा लाया, पेंसिल चुरा के मम्मी को बोला, माँ मैं पेंसिल लाया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा पेन लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बॉक्स लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बैग चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा नामी चोर हो गया, चोर हो गया, पकड़ाया,
ले जाकर खड़ा करा, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तब उस बच्चे से पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो बच्चा कहता है, मेरी माँ को बुला दो, मैं उनके कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी माँ को बुला दो, मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, बच्चे ने अपने दांतों से माँ का कान पकड़ लिया, खून बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाया, छोड़, ये तेरी माँ है। वो कहता है, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। अगर पहली बार पेंसिल चुराई थी, थप्पड़ मार दी, तो आज मैं चोर नहीं बनता। हम अपने बच्चों को अगर संवारेंगे तो बच्चा संवरेगा। हम अपने बच्चों को नेक मार्ग दिखाएंगे तो नेक मार्ग पर चलेगा। हम अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे, बच्चा सुधरेगा। आप अगर बच्चे पर रजाई डाल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरी माँ मेरा पक्ष ले रही है, तो वो गलत करेगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा सवारी हमने हमने पढ़ा है बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने होगा। कुछ कुछ चीजें तो अभी तक नहीं भूल पाए हम भी, तुम भी नहीं भूले होगे। एक मटके की कथा, टम्मक टू रे टम्मक टू, वो भी चलता है। कुछ भूले क्या, भले शिव कथा कह रही, सती मैया ने शिवजी से विवाह करा। दक्ष प्रजापति की दृष्टि में शिव बुरे कैसे हो गए? केवल एक कारण शंकर भगवान का समझ में आ गया, मैं आया और शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं करा। इतनी सी बात, इतनी सी। अब किसी ने कहा कि शिव जी इतनी सी बात के लिए दक्ष प्रजापति की निगाह में शंकर बुरे हो गए थे? नहीं, शिव बुरे इसलिए हुए क्योंकि दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, रे चंद्रमा, मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम केवल एक रोहिणी पर ध्यान देते हो, बाकी की बेटियों पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूं चंद्रमा, कि तुम्हें काया का रोग हो जाएगा। चंद्रमा के शरीर में काया का रोग हो गया, काया गल गल के नीचे गिरने लगी, टपक रही है चंद्र की काया। चंद्रदेव की आंख में आंसू आ गए। नारद जी से पूछा, नारद जी मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नारद जी ने कहा, तुम शंकर भगवान की स्तुति करो, पूजन करो, शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान की पूजन करने से, शिवलिंग के निर्माण से तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ये निश्चित है। आज आज एक, एक बेटा आया, शुभम बिश्नोई,